हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फूड बाइट्स विद कल्पना में। तो चलिए आज हम बनाएंगे केरी की चटनियां, कच्चे आम की चटनियां। तो हम तीन टाइप की चटनियां बनाएंगे, वो इस टाइप से हैं। पहली चटनी है हमारी पुदीने की चटनी बनाएंगे हम, एक है लहसुन और धनिया वाली केरी की चटनी, और तीसरी है मेथी वाली चटनी। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम बनाएंगे केरी की मेथी वाली चटनी। केरी से कच्चा आम भी कहते हैं और केरी भी कुछ जगह पर कहते हैं। जैसे कि मैंने तीन चार केरियां ली है, पहले मैंने इन्हें छीलकर काट लिया है और इधर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके लिए हमें चाहिए लाल मिर्ची, नमक, मेथी पीसी हुई। आप खड़ी भी ले सकते हैं लेकिन उसे पीसने में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए हम पीसी हुई मेथी लेंगे, मेथी दाना लेंगे, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी हींग और हम कच्चा जीरा भी लेंगे खड़ा। मेथी वाली चटनी बनाएंगे उसमें हम एक मेथी का तड़का बनाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, मेथी कच्ची अच्छी नहीं लगेगी इसलिए इसका तड़का तैयार कर रही हूँ मैं। तो देखिए, उससे सबसे पहले मैं उसमें डालूंगी, ये तेल हमारा गर्म हो गया है, एक डेढ़ टी स्पून हमें तेल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ खड़ी तीन लाल मिर्चें जो हमने अभी ली हुई थी, वो डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा जीरा जो खड़ा जीरा हमने लिया था, फिर पिसी हुई मेथी दाना और हमारी चुटकी भर हींग ले लूंगी मैं। हमें इसे अच्छे से भून लेना है और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालूंगी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूं। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैंने डाला है इसमें। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद जार में पीसने के लिए डालेंगे। पहले थोड़ी सी केरी के साथ, हमें आम के साथ, कच्चे आम के टुकड़ों के साथ पहले थोड़ा सा हम इसे पीस लेंगे ताकि ये सब अच्छे से पीस जाए। इसके बाद पूरे टुकड़े डालकर हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो देखिए हमारा तड़का ठंडा हो गया है, हमें इसे हम मिक्सर में डालेंगे जार में। ये डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी हमारी कटी हुई कच्चे आम, ये इसमें मैंने डाला। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी मैं इसमें और अब इसे मैं पीस लूंगी। ये देखिए अब हम अपनी चटनी को अच्छे से पीस लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और बढ़िया सा पेस्ट बन जाए इसका। ये देखिए अब अच्छे से ये पीस चुकी है, कलर भी बहुत सुंदर आया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो देखिए अगली चटनी के लिए हमें चाहिए, हम अगली चटनी बनाएंगे पुदीने की चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए वही केरिया छीली हुई कटी हुई, ये मैंने काट के रख ली है। इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे, लाल खड़ी मिर्ची ही, अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, कुछ पुदीने के पत्ते, नमक, भुना हुआ जीरा और खड़ा जीरा भी मैं लूंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें हमें खड़ा और बिना भुना ही डालना है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जार में पिसा हुआ खड़ा जीरा, फिर थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, दो खड़ी मिर्चें लाल वाली, आप हरी भी डाल सकते हैं, आप अगर और तीखा खाना चाहें तो और भी डाल सकते हैं, ये पुदीने के पत्ते, नमक
और मैं इसमें बाकी सारी केरियां डाल दूंगी। ये हमारे कच्चे आम डाल रही हूं मैं, अब हम इसे पीसेंगे। देखिए हमारी इस चटनी को भी हमें अच्छे से पीसना है, पर इसे हमें दरदरा रखना है, पूरी तरह बारीक पेस्ट बाकी चटनियों की तरह नहीं बनाना है। और अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मीठा भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरी ये चटनी पिस चुकी है, ये दरदरी है, इसमें एक क्रंच आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। अगली चटनी है हमारी धनिया और लहसुन वाली चटनी, जो कि बहुत यूनिक और स्पेशल है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ना बनाई होगी। तो चलिए हम इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। हमें इसके लिए चाहिए कटे हुए आम, 2 से 3 हरी मिर्चें, अगर आप तीखा कम खाना चाहें तो कम कर सकते हैं मिर्ची। इसमें मैंने 3-4 क्लोव्स लहसुन के लिए हुए हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती और टेस्ट के हिसाब से नमक। डालती हूँ इसमें मेरी कटी हुई केरियां, जार में डाल रही हूँ मैं, ये सारी मैंने डाल दी। इसमें मैं 2 हरी मिर्चियां डालूंगी, 2 से 3 हम डाल सकते हैं तोड़ के। हमारी लहसुन, धनिया पत्ती में पूरी डाल दूंगी क्योंकि जितनी धनिया पत्ती होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ। हमारी इस चटनी को भी हमें अच्छे से पीसना है, इसे तो हमें बिल्कुल बारीक महीन पेस्ट जैसा ही बनाना है ताकि ये एक अच्छा सा टेस्ट आए सभी चीजों का मिलकर इसमें। तो ये देखिए कितना सुंदर कलर है और ये बहुत ही महीन तरीके से पिस चुकी है, अब ये भी रेडी है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरी चटनियां जरूर बना के देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी चटनियां। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सकें। तो थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।